देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सो ये व्लॉग ट्रैवल गाइड भी है उन लोग के लिए जो दुबई में आते हैं, विजिट में आते हैं। एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर होती है कि पूरे यूएई को लोग दुबई कहते हैं, तो इसी वजह से मुझे दुबई दुबई कहना पड़ रहा है। वैसे दुबई एक स्टेट है, शारजा एक स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, और पूरा जो कंट्री है वो उसको यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। तो इसीलिए अक्सर जो लोग हैं ना हमारे एशिया कम्युनिटी के, वो दुबई कहते हैं, तो मुझे इसीलिए दुबई कहना पड़ रहा है। तो ये जो व्लॉग है वो ट्रेवल गाइड भी है कि आप शारजा में हो, विज़िट पे आए हो, तो आप बस के ज़रिए चीप रेट पे, थोड़े बहुत पैसे पे कैसे दुबई जा सकते हो, दुबई से JBR, जो मेरा बीच या बुर्ज खलीफा। पहले हम यहाँ से जाएंगे अल जुबैल बस स्टेशन, जो शारजा का बस स्टेशन है, यहाँ से बस पकड़ेंगे, सीधा जाएंगे दुबई, और दुबई से मेट्रो पकड़ेंगे, JBR जाएंगे। पीछे मेरे बस स्टेशन है अल जुबैल बस स्टेशन, यहाँ से आप बस पकड़ें और डायरेक्टली आप दुबई जा सकते हैं। यहाँ से पीछे मेरे शारजा पोर्ट है और यहाँ पर बस स्टेशन है। फाइनली गाइस दुबई बस स्टेशन पहुँच चुके हैं, और यहाँ से एक फ्रेंड ने फ़ोन किया था, उनको पता चल गया था कि मैं दुबई आ रहा हूँ, तो उन्होंने इनवाइट किया है कि खाने पर आ जाओ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ। अगर आप लोग को मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप प्लान बना रहे हैं हॉलीडे का दुबई आने का, तो आप लोग अभी वेट करें एक दो महीने, अक्टूबर तक आ जाएँ। मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस टाइम घूम नहीं सकता बंदा। यहाँ से थोड़ा सा हम करेंगे वेट, ठीक है। मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ, आप लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा, आप लोगों को जो मेरा बीच देखना है, मगर यहाँ से मैं जाऊँगा फ्रेंड के पास, थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे, थोड़ा कुछ खाएँगे, भूख भी लगी है, और उसके बाद जो है ना अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली जो मेरा बीच जाएँगे इंशाल्लाह। गाइस मेरे साथ अभी हो गया था सीन, मुझे असल में नहीं पता था कि बस स्टेशन में या बस के अंदर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वीडियो फुटेज वगैरह या फ़ोटो वगैरह इस तरह का चीज़ नहीं ले सकते। मुझे एक्चुअली मैं नहीं पता था, हालांकि मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ पर दुबई में, मगर मुझे इस बारे में नहीं पता था। वो तो अच्छा हुआ वहाँ के स्टाफ ने मुझे बुलाया, ठीक है, वहाँ के स्टाफ ने मुझे बुलाया, मेरा यानी मुझसे कहा कि यानी ये चीज़ें जो हैं ये अलाउ नहीं होती हैं, इसमें आपको यानी फ़ाइन पड़ सकता है। तो मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया, उनसे सॉरी कहा कि मुझे एक्चुअली मैं नहीं पता था कि ये चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, उसके बाद मैंने ये चीज़ें डिलीट कर दी हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मेरी तो एनर्जी ख़त्म हो गई है, मेरी तो अभी बातें ही नहीं निकल रही है, मेरा साउंड ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। एक तो मेरी नाइट ड्यूटी होती है, ठीक है, नाइट ड्यूटी करके आज दिन को सोया भी नहीं हूँ मैं। हर रंग के लोग मिलेंगे, हर मज़हब के लोग मिलेंगे, हर कंट्री के लोग मिलेंगे दुबई में आपको, यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी के साथ इख्तलाफ़ नहीं रखता, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, हर चीज़ लॉ के मुताबिक होती है, और सारे फ्री लोग हैं, फ्री माइंडेड लोग हैं। अच्छा तो गाइस लंच भी हो गया है, आराम भी कर लिया है, अब निकलते हैं डायरेक्ट जो मेरा बीच की तरफ। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. जिसका आपको इंतज़ार था, जिस घड़ी का, जिसके लिए मैंने सुबह 11 बजे से निकला हूँ और इस टाइम पर पहुँचा हूँ,
ये है भाई जुमेरा। आप लोग जुमेरा जुमेरा करते हो ना, देखो आज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जुमेरा का विज़िट करवाया, पूरे दुबई का विज़िट करवाया, देरा का विज़िट करवाया, कैसे जाते हैं उनका बताया। अब तो लाइक बनता है यार, साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वीडियो को शेयर भी कर दो। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस जगह पे जाऊंगा और भी व्लॉग बनाऊंगा आप लोग के लिए। पर्सनली मैं खुद यहाँ पर 8 साल के बाद आया हूँ। मैं 2015 में आया था यहाँ पर, जब मैं विज़िट पे आया था दुबई, और अभी आ रहा हूँ। 4 साल से मैं दुबई में हूँ, मगर 4 साल में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर मैं जुमेरा बीच आया हूँ। बहुत जगह गया हूँ, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा और भी जगह गया हूँ। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.